हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि रेगुलर स्टूडेंट के फॉर्म जो है 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, जबकि जो रिपीटर स्टूडेंट है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उन सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होने वाला था। 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 31 अक्टूबर के बाद लेट फाइन लगने वाला था, लेकिन जो नया सर्कुलर आया है, आज ही आया है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें आप देख सकते हैं ये जो आज आया हुआ प्रकटन है बोर्ड की तरफ से मार्च 2020 एग्ज़ाम के लिए, इसमें नियमित शुल्क के साथ यानी रेगुलर फीस के साथ जो डेट है वो 15 नवंबर तक कर दी गई है। जो रेगुलर स्टूडेंट और रिपीटर, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट सारे स्टूडेंट के लिए ये सेम डेट कर दी गई है 15 नवंबर तक। यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट का भी अगर किसी का फॉर्म भरना बाकी है कॉलेज की तरफ से, तो वो लोग भी, और जो 1 नवंबर के पहले फॉर्म भरना था रिपीटर इम्प्रूवमेंट का, अब वो 15 नवंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 15 नवंबर तक भी फॉर्म नहीं भर पाते तो उसके बाद भी लेट फाइन यानी विलम्ब शुल्क के साथ 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना होगा लेट फीस। तो ये डेट है, जो भी रिपीटर या इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं वो लोग कॉलेजेस में विजिट कर लो। फिलहाल दिवाली वैकेशन होने वाली है, कॉलेज के ऑफिस बंद भी हो सकते हैं, बहुत से कॉलेज के ऑफिस खुले रहेंगे। आप ऑफिस में जाके क्लर्क या रेस्पेक्टेड टीचर से मिल के आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, अपना नाम वहाँ दे दें रिपीटर या इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू वीडियो में।